पूर्णिया किसान समन्वय समिति के कार्यकर्ताओं ने किसानों पर हो रहे काला कानून किसान बिल को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। 6 जनवरी 2021 को रेणु उद्यान लाइन बाजार पूर्णिया में किसान समन्वय समिति की तरफ से किसान विरोधी बिल को लेकर आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे कर बिल की वापसी के लिए कमर कस ली है। पूर्णिया से मोहम्मद हफीज की रिपोर्ट। ये बताया जाए, आप लोगों ने यहाँ अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन किया है किसान के एवज में, तो क्या लग रहा है आपको कि ये जो आप लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया है, तो क्या आपकी मांग सुनवाई होगी? काफी दिनों से धरना प्रदर्शन जो है दिल्ली में भी चल रहा है, मगर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। नहीं नहीं, सुनवाई तो ये सरकार को करना ही होगा, वरना ये किसानों के जीवन मरण का सवाल है और ये कब तक भागते रहेंगे हमारे मोदी सरकार। हम लोग का कहना है कि तो वहाँ जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके सहयोग सपोर्ट में हम लोग यहाँ पूर्णिया जिला में भी किए हैं अनिश्चितकालीन। और ये जब तक ये तीनों काला कानून कृषि कानून वापस नहीं होता है और MSP पर खरीद की गारंटी देना होगा, ये जब तक नहीं होती है हम लोगों का धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक चलता रहेगा। और ये सरकार को जो ये कहिए कि अधिनायकवादी सरकार है, इनको पीछे हटना होगा। और किसान के हित में अगर ये सोचते हैं तो इसको हटना चाहिए, इनको जीत पर नहीं रहना चाहिए। जबकि ये सारा किसान बोल रहा है कि ये कानून हमारे हित में नहीं है, और ये साबित हो चुका है कि जब खुद सरकार बोल रही है कि 14 पॉइंट में 12 पॉइंट में हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, तो जब आधा से अधिक आपके गड़बड़ी है, हड़बड़ी में आप जो है ये कानून लाए हैं, इसमें काफ़ी गड़बड़ी है, तो आपको इसको समाप्त करके फिर पुनः लोगों से राय मशवरा करके, किसानों से मशवरा करके, विशेषज्ञों से मशवरा। बताया जाए, आप लोगों ने जो है पिछले बार भी धरना प्रदर्शन किया था, अगर उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो इस बार फिर से आप लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया, तो क्या इस बार सुनवाई होने का कुछ गुंजाइश है? बिल्कुल होगी और करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें कि पिछले 2 महीने से इस सर्द रातों में दिल्ली बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं और इसकी मांग को लेकर के वो मांग कर रहे हैं, और मांग बहुत जायज़ सी मांग है, तीन कृषि कानून जो है वो वापस ले, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा त्रुटियां हैं और ये एक प्रकार से सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए कानून बनाया गया है। ये कानून सिर्फ चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है, और जो देश के जो करोड़ों लोग हैं, करोड़ों किसान हैं, वो उसकी सारी फसलें जो है किसी कुछ चंद पूंजीपतियों के गोदामों में जब्त हो जाएगा, और वो फिर हम लोगों को फिर महंगे रेट में बेचेंगे। आपको मैं बताऊँ कि जैसे अंग्रेज शासनकाल में अंग्रेज का जो काल था उसमें भी कुछ इसी प्रकार का जो है वो किया जाता था, पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जाता था और किसानों को। मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। आपने पूछा कि ये सरकार मानेगी अथवा नहीं मानेगी, तो मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आज से कई सौ 100 साल पहले 1907 की घटना मैं आपको बताता हूँ कि 1907 ईस्वी में पंजाब में भी इसी तरह का एक आंदोलन हुआ था, और वो आंदोलन भी तीन कानून जो किसानों के लिए लाया गया था, उसको ख़त्म कराने के लिए पंजाब के किसानों ने एक आंदोलन किया था जिसका नाम था पगड़ी संभाल जट्टा। और वो आंदोलन को आपको मैं बताऊं कि उस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो शहीद भगत सिंह के जो पिताजी थे किशोरी लाल सिंह जी, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था, और उनके चाचा जी जो थे अजीत सिंह जी, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत माता सोसाइटी के नाम से एक संगठन बना था और उस संगठन इसका नेतृत्व किया था। 9 महीने तक लगातार ये आंदोलन चला था, और लगभग इसी प्रकार का वो आंदोलन था जैसे आप अभी सिंधु बॉर्डर पे किसानों को देख रहे हैं, लाखों की तादाद में किसान जो है वहाँ इकट्ठे हो गए थे, और उसमें भी अंग्रेजी सरकार ने कहा था कि हम इसमें से कुछ सुधार कर देते हैं, कुछ अमेंडमेंट कर देते हैं, मगर सरकार जो किसान थे वो डटे रहे। उन्होंने कहा कि जब तक ये उनका कानून वापस नहीं होगा तब तक वो डटे रहेंगे, और 9 महीने तक लगातार वो आंदोलन चला। सरकार अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा, उन्होंने तीनों कानून को वापस लिया। तो मैं बताऊं कि ये सरकार, इस सरकार को भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि इस बार किसान बिल्कुल अडिग है। अब जब तक ये तीनों काला कानून वापस नहीं होता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम न्याज अहमद है और किसान समन्वय समिति